मिनी कप है। हाँ मिनी कप, वाह भैया बहुत दूर से आया है भैया से। हावड़ा सल्किया, हावड़ा से। तो आज ये अंकल कौन है? बहुत ही ईमानदार आदमी है, इसीलिए मैं। चलो देखते भाई आलू अच्छे से बॉईल हुआ है या नहीं। इसके बारे में भूला भाला मत बोलो। देख गरम गरम है पूरा, अभी भी गरम है। तो हे यू गाइस, जय हिंद, नमस्ते। मैं हूँ रितेश और आप लोग देख रहे हो आरबी लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज आप लोग को ले आए हैं मध्यम ग्राम के हीरो कोलाओ काकू के पास। कैसे हो? बढ़िया हूँ एकदम। तो आज रात है काकू, आज आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, डेली बिजनेस मेरा अच्छा चलता है। इधर भीड़ लगा रहता है लोग का प्यार, मतलब सोशल मीडिया और आने से आपका मतलब बिजनेस और में बहुत अच्छी इफेक्ट पड़ा। सोशल मीडिया आने से बहुत ये हुआ, मतलब जो लोग नहीं जानते बिजनेस का, खाना का क्वालिटी भी बड़ा ही बढ़िया रखना होगा। खाना मेन जगह है खाना, मतलब आप डेली एकदम क्वालिटी मेंटेन रखते चाहे कुछ हो ना हो। ये इंडिया गेट बासमती राइस है, लॉन्ग ग्रेन, इसके साथ देसी घी से बना हुआ है और काजू किशमिश और हल्दी देके बना हुआ है मेरा पुलाव। और सोगुना चिकन है और मटन है, अब इसका बड़ा बढ़िया मटन है। मतलब आप अपना क्वालिटी से सैक्रिफाइस नहीं करते? नहीं नहीं, अब इसका देसी खासी जो बोलता है बंगाली में, देसी खासी, और संडे को रेवाजी होता है खासी। तो काकू आपके जर्नी के बारे में थोड़ा हम लोग के सब्सक्राइबर्स को बता, कैसे क्या स्टार्ट हुआ आपका? जर्नी था 8 पैकेट से। अच्छा। उसके बाद 1 महीने के अंदर सेल बहुत बढ़ा, बर्थडे पार्टी, फिर जो ठाकुरबाड़ी का खाना जो होता है पूजा पाठ का, उधर में भी खाना, वो 1 महीने में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, उसके बाद से और पीछे नहीं मुड़ा। काकू ये पुलाव बनाना शुरू कब से करते हो आप? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया ना, 1.5 साल से बनाते आ रहे हो। और डेली कितना बजे बनाते हैं आप? डेली 12 बजे के बाद से बनाते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद? हाँ। देखो एकदम फ्रेश फ्रेश पीते हैं। तो काकू ये कौन सा पार्सल कर रहे हो? मिनी कप है। हाँ मिनी कप, वाह भैया बहुत दूर से आया है भैया से। हावड़ा सल्किया, हावड़ा से। हाँ किससे आया? मतलब सोशल मीडिया देख के? हाँ सोशल मीडिया से। एकदम एकदम, बहुत दूर दूर से ही लोग आ रहे हैं क्या? बहुत दूर दूर से आ रहा है। गूगल में थोड़ा रेटिंग दीजिएगा, गोल्डन बासंती पुलाव गूगल में जाके सर्च कर, गोल्डन बासंती पुलाव। काकू बोल रहे कि मिनी कप में क्या क्या रहता है वैसे? इसमें 8 पीस चिकन रहता है, 2 लंच डिनर का राइस रहता है, 2 आदमी का लंच, ये दो बड़ा, ये एक है, ये इसमें 2 जाएगा। और इसके साथ 4 मटन है 520 रुपया, 8 चिकन है 330। बांग्ला में तो पोस्तो बोलता है काजू, हिंदी में पोस्तो को क्या बोलता है? खसखस। खसखस खसखस खसखस। तो काजू जो के बना हुआ है इसलिए थोड़ा कॉस्टली है। ये जब आप स्टार्ट किए, स्टार्ट करने के पहले आपको क्या क्या सहना पड़ा था? एक्चुअली मेरा जेट में नौकरी कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर जेट अचानक अब तो जानते ही ये बंद हो गया। तो आज बहुत लोगों का बहुत मुसीबत हो गया, कोई लोग का डेथ हो गया हार्ट अटैक के वजह से। ये हम लोग भी हम लोग का भी ऐसे ही हुआ था। उसके बाद सऊदी गया था, उधर काम कर रहा था, फिर
सऊदी में भी लॉकडाउन के कारण कंटिन्यू नहीं कर पाया, 2 साल बाद बैक किया, उसके बाद से ये जर्नी स्टार्ट। तो कब मतलब बहुत दिन से देख रहे थे कि आपके साथ एक भैया रहते थे, तो आज ये अंकल कौन है? एक्चुअली भैया उधर दुकान भी आए, मेला है आज, मेला के उत्तर वो आज नहीं आएगा। अच्छा, कल से फिर आएगा। अच्छा, तो अभी आज के लिए खाली ये अंकल है? हाँ, ये अंकल जान पहचान का है, बहुत ही ईमानदार आदमी है, इसीलिए मैं मतलब आप बिलीव बहुत ज्यादा करते हो। बिलीव नहीं, आदमी अच्छा है, बहुत अच्छा। चलो, आपके सामने ही हो रहा है, कितना लेके आया था, अभी आधा से नीचे हो गया, अभी अभी आधा से ज्यादा खत्म हो गया। अभी भाई एक घंटा भी नहीं हुआ होगा कुल, अगर हमको तो आधा घंटा नहीं हुआ। वाह, आधा घंटा भी नहीं हुआ, आधा घंटा में इतना भीड़। मेन बात क्या ना, काकू के पास सब लोग कप लेके जाते हैं, कप भर के, उसके बाद क्या ये कौन सा डिनर पैक है ना, लंच डिनर पैक। वाह, आप लोग जहाँ से वीडियो देख रहे हो एक बार जरूर आइएगा, ट्राई कीजिएगा एक बार जरूर। हमारा बेस्ट क्वालिटी देकर साफ कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड में ये क्वालिटी आपको शायद नहीं मिलेगी। तो गाइस, काकू आप लोग को बुला रहा है, अगर नहीं आओगे तो कैसे चलेगा भाई, एक बार आके मध्यम ग्राम में आके एक बार टेस्ट तो करना बनता है। तो काकू, आपके दुकान में वैसे क्या क्या मिलता है? पुलाव मिलता है। अच्छा, बासमती पुलाव है? बासमती राइस है, लॉन्ग ग्रेन पुलाव, ये मेरा पुलाव है। देखो भाई पुलाव, देखो भाई, वाह एकदम फ्रेश रहता है आपका पुलाव। ये मटन है, देखो भाई मटन, देखो भाई, वाह पीस तो बहुत अच्छा अच्छा पीस है आपके पास। ये चिकन है, देखो चिकन है ना, और ये काजू और खसखस, बांग्ला में पोस्तो बोलते हैं ये। अच्छा, आलू का दम है, पोस्तो का दाम बहुत ज्यादा हो गया आजकल, तो भी दे रहे काजू, काजू और पोस्तो देखो। वाह, इतना महंगाई में भी आप काजू पोस्तो देके मतलब आलू बना रहे हैं। हां, कॉस्टली थोड़ा सा है, क्या बोलूं, रेगुलर कस्टमर है आपका? हां, डेली, मैं यहां का रेगुलर कस्टमर है, एकदम डेली लेते हो मतलब। अच्छा चीज है। टेस्ट कैसा लगता है आपको इधर का? टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसका मेन क्या चीज आपको ज्यादा पसंद है? प्राइस बहुत कम है, टेस्ट आपको अट्रैक्शन क्या लगता है? क्या पुलाव ज्यादा पसंद है, चिकन ज्यादा पसंद है, मटन ज्यादा पसंद है? सभी चीज अच्छे है। वाह, सभी चीज आपको पसंद आता है मतलब। रहते कहाँ पे हो आप? रहते कहाँ पे हो? मध्यम ग्राम में, मध्यम ग्राम चौमाता, चौमाता। तो क्या क्या कंटेनर में क्या क्या प्राइस है आपके? आप तो देखा आइटम मेरा, स्नैक्स पैक। अच्छा, स्नैक्स पैक है, इसके साथ 2 चिकन आएगा। अच्छा, और इसमें पुलाव आएगा, पाउच में 2 चिकन आएगा, ये 70 रुपीज ना। इसके साथ 100 ग्राम का मटन आएगा। अच्छा, 100 रुपीज का, 100 ग्राम का मटन आएगा, 110। वाह, इसके साथ आलू का दम आएगा 4 पीस, ये छोटा स्नैक्स पैक। ये 4 पीस चिकन आएगा इसके साथ, 160, इसके साथ 2 पीस 100 ग्राम करके मटन 2 पीस आएगा, 250, और इसके साथ 4 आलू का दाम है 140। तो काकू, हम तो नॉन वेज नहीं खाएंगे, तो आप हमें क्या खिलाओगे? ये वेज है, वेज, ये कश्मीरी आलू का दम है। अच्छा, देखो चलो क्या क्या दे रहे, बोलते हैं ना काकू एक बार। पुलाव है ये, वाह ये सबसे फेमस पुलाव है मतलब मध्यम ग्राम का, क्या काकू मध्यम ग्राम का ये सबसे ज्यादा फेमस पुलाव है? भाई बाबा रे, काजू वाजू सब कुछ देते हैं। वाह काकू, वाह वाह, काजू ही काजू है, देखो काजू अभी कितना ज्यादा महंगा है मार्केट में, लेकिन काकू कंजूसी नहीं करते हमारे, क्या काकू? हाँ, कोशिश करता हूँ एकदम। देखो आ गया, काकू का आलू दम आ गया, कश्मीरी आलू दम। वाह, देखो काकू का कश्मीरी आलू दम आ गया, वाह वाह वाह, क्या ही लग रहा है, वाह। चलो भाई, वाह एकदम भर भर के देते हैं काकू। चलो ग्रेवी आ गया, वाह जो चीज का इंतजार था। ए, 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 आ गया, ए, देखो आ गया हम लोग का पुलाव और आलू दम भाई, हम लोग का काकू का सबसे ज्यादा फेमस है पुलाव और आलू दम, और वही हम लोग ले लिए भाई। तो हम खा के आप लोग को बताते कि भाई हमको कैसा लग रहा है। तो भाई देख सकते हो भाई, हम लोग ले लिए पुलाव, काकू का फेमस पुलाव और आलू दम। देख सकते हो भाई, हम लोग का आलू दम देख सकते हो भाई। चलो देखते भाई आलू अच्छे से बॉयल हुआ है या नहीं। अरे हाय भाई, कितना अच्छे तरीके से बॉयल हुआ आलू, आप लोग देख ही सकते हो भाई, कितना अच्छे तरीके से बॉयल हुआ आलू। और काकू भाई हम लोग को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए ग्रेवी भी बहुत अच्छे तरीके से थी, जो
बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और देखो भाई आप लोगों को दिखाता हूँ मैं पुलाव में, आपका काजू वाजू में भी कमी नहीं रखता। देखो काजू वाजू सब कुछ दिया जाता है इस पुलाव में, तो भाई बहुत ही अच्छा। देखो सच सच बताते ये वाला जो पुलाव है काकू इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो ये जो पुलाव इसका कोई रिव्यू नहीं होता, इसका जो मेन है ना इसका स्वाद ही अलग है। इसमें काकू का जो मेहनत है ना वो मेहनत का टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखो आलूदम देख सकते हो आप लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख के इतना अच्छा लग रहा है भाई, खा के तो आप लोग समझ ही रहे हमको कितना ज्यादा बेटर लग रहा है, मजा आ गया भाई। सच बता रहा हूँ तो टेस्ट है ना अल्टीमेट है, मैं सच सच बता रहा हूँ। ये पुलाव आप एक बार आओ आके खाओ, मध्यम ग्राम में आओ, मध्यम ग्राम में आके एक बजे वाला पुलाव खाओ, उसके बाद ही आप लोग जानोगे कि भाई इसका टेस्ट कैसा है, एक बार आके खा के जाओ। तो भाई मैं तो अभी खाता हूँ भाई, बात नहीं करूँगा। ये कुछ बोलना चाहता है बोलिए दुकान के बारे में। मेरी दादा है, हाँ दादा दादा मैंने क्या बोल, मैं क्या बोलूँगा, वो रहता नहीं है, मैं जिंदगी में हूँ, वाह दादा रहता हूँ। और एक रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को, तो ये बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मेरे लिए कर रहा है, इसके बारे में भुला भला मत बोलो, ये मेरा रिक्वेस्ट। गरम गरम है पूरा, अभी भी गरम है। देखो काकू एक साथ पांच प्लेट लगा रहे, एक दो तीन चार पांच, पांच पांच प्लेट लगा रहे काकू। ना तो भाई जब से आया तब से देख रहा काकू अखिले पूरा 100% काम करते यार, इतना शक्ति आता कहाँ से काकू। अभी ये हो गया करते करते हैबिट हो गया क्या, वाह आदत सा। तो देख सकते हो भाई काकू तो भाई अभी बहुत ज्यादा बिजी हो चुका है भाई, तब से मतलब लोगों को देते ही आ रहे। तो गाइस मैं आप लोगों का एड्रेस बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को भी आके ये काकू का फेमस पुलाव, काकू का फेमस पुलाव चखना है आप लोगों को, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देख सकते हैं सामने कनारा बैंक आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो कनारा बैंक है इधर सामने आप लोग देख सकते हैं भाई, इस तरीके का जगह है और इसी जगह पे देख सकते हैं हम लोग के पुलाव काकू, पुलाव बेचते हैं जिसमें पूरी तरीके से पुलाव काकू को लोग घेरे रहते हैं। इधर का टाइमिंग मैं आप लोग को बता देता हूँ, इधर का जो टाइमिंग है वो होता है आप लोग का शाम को 6:30 बजे से 9:30 बजे तक में इनका सब कुछ खत्म हो जाता है, मतलब बहुत ही जल्दी 2-3 घंटा के अंदर अंदर ही इनका पूरा पुलाव खत्म हो जाता है, 2 हाड़ी पुलाव रहता है, दोनों हाड़ी खत्म हो जाता है। तो एक बार आओ, एक बार आके मस्त है बोलूंगा। तो गाइस आज का हम लोग इधर तक ही रखते हैं, सो उम्मीद करते हैं कि गाइस आज का आप लोग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलते हैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक स्टे सेफ राइट सेफ।